नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। यूपी में दूसरे चरण का निकाय चुनाव का मतदान आज जारी है। आज प्रदेश के 9 मंडल के 38 जिलों में मतदान जारी है। आपको बता दें कि लगातार सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान सेंटर पहुंच रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि लोगों से अपील है कि पहले वह मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने निकाय को सशक्त बनाने के लिए मतदान अवश्य करें। इस बीच प्रदेश के अलग अलग जगहों से ईवीएम खराब की सूचना भी मिली है। आपको बता दें कि कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद से ईवीएम मशीन की खराबी की सूचना मिली, जिससे कि मतदाता परेशान दिखे। लगातार मेरठ में मशीन खराब का सिलसिला जारी रहा। इस बीच कई बड़े नेताओं ने वोटिंग भी किया है। शाहजहांपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वोट किया। साथ ही आपको बता दें कि मेरठ में कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने वोट किया। साथ ही आपको बता दें कि लगातार हर जगहों से बड़े नेता लगातार मतदान कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज 9 मंडल के 38 जिलों के 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका, 268 नगर पंचायत पद और पार्षद सीटों के लिए चुनाव है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है, शाम को 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। आपको बता दें दूसरे चरण की वोटिंग लगातार सुबह 7 बजे से जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदाता सुबह 7 बजे से कतारों में खड़े रहे, अपनी पारी का इंतजार करते रहे ताकि वह मतदान कर सके। तो दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान जारी है। कई जगह ईवीएम खराब होने से मतदाता परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से प्रदेश के 38 जिलों में मतदान शुरू हो गया है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसके तहत मतदाता सुबह से ही कतारों में खड़े दिख रहे हैं। आपको बता दें दूसरा चरण कई मायनों में अपने आप में अहम है, क्योंकि राजनीतिक दलों के लिए यह बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2024 से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें निकाय चुनाव के दूसरे चरण को सियासी तौर पर अहम इसलिए माना जा रहा है, क्योंकि इस चरण में मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, कानपुर और अयोध्या जैसी हाई प्रोफाइल नगर निगम शामिल है, जिस पर सीधी लड़ाई भाजपा और सपा में देखी जा सकती है। तो निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने भी चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए सभी तैयारी की है। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। इस बीच प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया है। बकायदा बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए भी अलग अलग व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाया गया है, लोग पहुंच रहे हैं, लोकतंत्र के पावन पर्व में लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो आज सुबह 7 बजे से 38 जनपदों में 6380 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जा रहा है और 13 मई को उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला आएगा। दूसरे चरण में आपको बता दें कि प्रदेश के 7 नगर निगम की मेयर सीटों के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन्हीं नगर निगम के पार्षद के 581 पद के लिए 3840 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। तो लगातार इंडिया वॉइस पर दूसरे चरण का कवरेज जारी है। लगातार आपको हम हर जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह की आपको रिपोर्ट दिखाए। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार चुनाव जारी है, कई जगहों से ईवीएम खराब की सूचना मिली। हालांकि तो हमारे साथ वांदा से संदीप कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी है वहां से, पोलिंग बूथ पर कैसा है वहां का उत्साह, मतदाताओं में क्या उत्साह दिख रहा है मतदान को लेकर? जी दिनकर, बता दूं कि मतदान को लेकर के जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर मतदान केंद्रों पर लोगों ने लाइन लगाना शुरू कर दिया था, और जैसे ही वोटिंग का टाइम 7 बजे का था, जैसे ही वोटिंग टाइम शुरू हुआ तत्काल लोगों ने जाकर के मतदान करना शुरू कर दिया था। कल देर रात में ही जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के द्वारा एक ट्वीट करके जनता को मैसेज दिया गया था और कहा गया था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, इसी नियम को लोग फॉलो कर रहे हैं और लगातार सुबह से ही बराबर जनता जो है पोलिंग स्थलों पर जा रही है और वोटिंग कर रही है। जी, बांदा में क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहां के मतदाता किन मुद्दों को लेकर वोट करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि यह दूसरा चरण का चुनाव अपने आप में बहुत अहम माना जा रहा है? जी देखिए, अगर बांदा की जनता की बात करें तो बांदा की जनता साफ और स्वच्छ सभी वाले प्रत्याशी को चाहती है, और कहीं ना कहीं
जो बांदा के नगर का विकास कर सके, यहाँ पर सफाई व्यवस्था को कायम कर सके और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं शहर की वो सारी व्यवस्थाओं को सुरक्षित कर सके, इस तरह के प्रत्याशी को लेकर के इस बार वो वोट करने जा रहे हैं। जी, आप पोलिंग बूथ पर मौजूद है, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, कैसा माहौल है, क्या कुछ प्रशासन ने व्यवस्था की है, मतदाताओं में क्या उत्साह है? देखिए, मतदाताओं को उत्साह तो काफी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा को लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जनपद के अन्य जो बाहरी जनपदों के जो बॉर्डर हैं उनको भी सील किया गया है, अंदर जनपदी भी बॉर्डर सील किए गए हैं, लगातार वहां पे चेकिंग जारी है और प्रशासन के द्वारा बूथों पर भी काफी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी के द्वारा पूरी नजर रखी जा रही है, यहाँ पर जनता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थनगर से राकेश यादव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, सिद्धार्थनगर में क्या माहौल है, क्या तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है? सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और यहाँ लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और काफी उत्साह देखने को मिल रही है लोगों में। ज्यादातर की महिलाएं पहुंच रही है बूथ पर और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। जी, नगर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं महिलाओं के लिए, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो वोटिंग करने में, तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ टाइट की गई है और सीसीटीवी फुटेज से सबकी निगरानी रखी जा रही है। जी, सिद्धार्थनगर के मतदाताओं में किन मुद्दों को लेकर बेचैनी है, किन मुद्दों को लेकर वो मतदान सेंटर पहुंच रहे हैं, उनके क्या प्रमुख मांगे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने आज पहुंची हैं? बिल्कुल, इनके मुद्दे हैं शिक्षा और जो बेरोजगारी है, जो नगर के नालियां जाम पड़ी हैं और सड़कें टूटी फूटी हैं, उनको लेकर लोग कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे होंगे, मैं उसी को वोट करूंगा और विकास के मुद्दे पे जो काम करेगा उसको मैं वोट करूंगी। तो ज्यादातर महिलाएं विकास के मुद्दों को लेकर बात कर रही हैं, जिस तरह से यहाँ विकास को चर्चाएं हो रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुआ है, जो विकास करेगा उसके लिए हम लोग वोट करेंगे। जी, अगर आप मतदान स्थल पे मौजूद हैं तो कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए और वहां की तस्वीरें दिखाइए कि प्रशासन ने कैसे इंतजाम किए हैं, क्योंकि कई जगहों से यह खबरें सामने आ रही है कि ईवीएम में खराबी सामने आ रही है, तो क्या सिद्धार्थनगर में क्या स्थिति है, यह कुछ हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, यहाँ जो है सही तरीके से मतदान हो रहा, सुरक्षा कर्मी भी लगे हुए हैं और सुरक्षा कर्मी मतदाताओं के लिए लगे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वोटर भी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं हम। जी, आपको कैसा लगा, आप पहली बार वोटिंग करने आए, कैसा लग रहा है, किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं? और लंबी हैं, उनसे बात करते हैं, किस मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करने आए? जी राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ बलिया से करुणेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। करुणेश, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है बलिया में, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि इस बलिया जनपद में 2 नगर पालिका और 10 नगर पंचायत है जहाँ दूसरे चरण का चुनाव आज शुरू हो गया है। जी, मैं आपको बता दूं कि पूरी सुरक्षा के बीच में मतदान शुरू हुआ है और ये आपको मैं बता दूं कि जो बलिया नगर पंचायत का जो सीट है वो एक सीट जो है अहम भूमिका रखता है, इसलिए सदर से जो विधायक और इस समय यूपी सरकार में मंत्री है दयाशंकर सिंह, उनकी जो है दाव की बात है, प्रतिष्ठा की बात है और जो बीजेपी से प्रत्याशी है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और दयाशंकर सिंह लड़ा रहे हैं। और मैं बता दूं आप को कि ये जो पूरे जो नगर पालिका जो है 2 नगर पालिका, एक बलिया और एक रसड़ा नगर पालिका है, जबकि जो 10 अन्य जो है नगर पंचायत में आती है और जहाँ पर यहाँ पे मतदाता लगभग 3,46,737 है जो कि आज जो है अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। जी, अब क्या कुछ जानकारी है वहाँ पे, मतदाता किन मुद्दों को लेकर मतदान स्थल पे पहुँच रहे हैं, क्या सोच के साथ वो वोट करने पहुँच रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि जो सदर का जो बलिया का जो नगर पालिका है वहाँ पे लोगों का विकास का मुद्दा है, जो कि बरसों से यहाँ पर नाली और जो पानी की समस्या है जो यहाँ से नहीं निकल पाता है, जो कि इसको लेकर के काफी लोग यहाँ पर पीड़ित रहते हैं और ये देखा जाए तो यहाँ के लिए एक अहम मुद्दा है कि जो है शहर का पानी का निकास जो है
उसको मुद्दा लोग बनाया है इस बार मतदान में, और हम कह रहे हैं कि इस बार हम लोग बिल्कुल मतदान करेंगे। जो जी निकालने के बारे में जो है, शहर के बारे में जो कोई जो भी प्रत्याशी सोचेगा उसी को मतदान करेंगे जी। लेकिन वहाँ मतदाताओं की संख्या में क्या इजाफा हो रहा है? सुबह 7 बजे से मतदान शुरुआत हुई, अब 1-1.5 घंटे बीतने को है, 2 घंटे बीतने को है, मतदाता किस तरीके से वहाँ पे पहुँच रहे हैं? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल, पहले जलपान, पहले मतदान फिर जलपान की बात नहीं है। यहाँ उत्साह मतदाताओं में है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 7 बजे से लंबे कतार में खड़े हो गए और अपना मतदान करने के लिए तैयार, क्योंकि यह एक तरह से देखा जाए तो नगर पंचायत का चुनाव है और प्रत्याशी भी मतदान के लिए जो है काफी प्रयासरत रहते हैं दिलवाने के लिए अपने पक्ष में, इसलिए उसको अधिक से अधिक मतदान को वो घर से निकालने के लिए प्रेरित करते हैं और वो निकालने के बाद खुल सकते हैं का काम भी करते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो लोगों में उत्साह भी है और लोग अपना मतदान भी कर रहे हैं जी। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है गाजियाबाद से, नगर निगम और लोनी क्षेत्र में ईवीएम खराब हो चुकी है। शुरुआती दौर में 40 से ज्यादा ईवीएम खराब हुई है, शिकायत पर कई ईवीएम को सही कराया गया है। लोनी शहीद नगर समेत कई जगहों पर ईवीएम खराब की शिकायत सामने आई है, तो बड़ी जानकारी गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं। जहां नगर निगम और लोनी क्षेत्र में 40 ईवीएम खराब हो गई है, शुरुआती दौर में 40 से ज्यादा ईवीएम में खराबी पाई गई है, शिकायत पर कई ईवीएम को सही कराया गया है। हालांकि लोनी शहीद नगर समेत कई जगहों पर ईवीएम अभी भी खराब है। ईवीएम खराब होने से मतदाता काफी परेशान नजर आ रहे हैं, वो वोटिंग को प्रभावित कर दिया गया है। तो अहम जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा करें गाजियाबाद से, नगर निगम और लोनी क्षेत्र में 40 ईवीएम खराब हो चुके हैं, शुरुआती दौर में 40 से ज्यादा ईवीएम खराब हुई है, शिकायत पर कई ईवीएम को सही कराया गया है। लोनी शहीद नगर समेत कई जगहों पर ईवीएम खराब की शिकायत पाई गई। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जारी है, इस बीच प्रदेश के कई जगहों से ईवीएम में शिकायत सामने आई है। कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ में लगातार ईवीएम खराब की सूचना मिल रही है। नदीम हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, हमारे संवाददाता नदीम, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 40 से ज्यादा ईवीएम खराब हो चुकी है? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, ईवीएम की खराबी को लेकर लगातार जो है मतदाता है वो शिकायत कर रहे हैं। लोग सुबह से सवेरे 7 बजे से लगे हुए हैं, जिस तरीके से लोगों को मैसेज दिया गया था उस तरीके की चीजें हैं, जो व्यवस्था है वो सही नहीं हो रही है। हालांकि गाजियाबाद के लोनी इलाका, साहिबाबाद इलाके और इंद्रापुरम में भी ये व्यवस्था सुविधा है वहाँ पे देखी जा रही है। हालांकि अधिकारी वहाँ पर लगे हुए हैं जो की पूरी तरीके से मशीनों को देख रेख में लगे हुए हैं और वो व्यवस्था जो है वहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन 40 से ज्यादा ईवीएम खराब होना अपने आप में एक सवाल खड़े करता है कि क्या चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, प्रशासन ने क्या तैयारी नहीं की थी? क्योंकि दूसरे फेज का चुनाव अपने आप में कई महत्व रखता है, क्योंकि इसमें कई हाई प्रोफाइल सीट है, मसलन गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़ जैसी सीटें हैं, तो कहां प्रशासन से चूक हो रही है, मतदाता परेशान हो रहे हैं? देखिए, मतदाता सुबह से जिस तरीके से लाइनों में लगे हुए हैं, मतदाता अपने वोट को लेकर पूरी तरीके से कहना कि देख सकते हैं पूरी लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से शिकायतें आ रही हैं, शिकायतों पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पर जा रहे हैं वो अंदर जिस तरीके की अव्यवस्था है उसको भी कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं। जो लोनी की इलाके की बात की जाए या जो साहिबाज इलाका है उस इलाके की बात की जाए तो वहाँ पर तमाम लोग जो है वहाँ पर जा रहे हैं और उन जीतों को देखा जा रहा है जहाँ पर दिक्कतें आ रही है। तरीके की हालांकि थोड़ी थोड़ी दिक्कतें जो है महसूस की जा रही है, जो भी वोटर भी इसकी शिकायत कर रहे हैं कि वोट डालने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन ईवीएम खराब होना एक मशीन की तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन विपक्ष इसको किसी और ही लहजे में पेश करेगा नदीम, क्योंकि पहले चरण के मतदान में भी विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। वहीं आपको याद होगा कि निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी की थी। साफ तौर से जाहिर सी बात है कि पहले भी विपक्ष को इस पर मौका मिला था कि ईवीएम को ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाव किया जाए, लेकिन इस बार भी देखा जा रहा है कि ईवीएम की
थी, कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी थी सिस्टम में दिक्कत आ जाती है, वहाँ पर तुरंत अधिकारी को वहाँ लगाया जाता है जिससे वो दिक्कत न आए और विपक्ष को भी इस पर बात करने का मौका ना मिले, लेकिन फिर भी विपक्ष को बात करने का मौका मिलता है। तमाम ऐसी चीजें हैं जहाँ पर जो प्रशासन है गाजियाबाद में बहुत ज्यादा एक्टिव भी नजर आता है और तमाम चीजें हैं वो बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लाइनें जो लगी हुई है लाइनों में ये महसूस हो रहा है कि काफी देर यहाँ पर मोटरों को लग रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, अलीगढ़ में क्या माहौल है? जो जोश नजर आ रहा है क्योंकि सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, एक दो जगह से शिकायत थी मशीन खराब होने की जिनको ठीक कर दिया गया है और अब लगातार मतदान जो है सुचारू रूप से चल रहा है। वही बात करते हैं मतदाताओं की, तो मतदाता भारी संख्या में वोट डालने के लिए निकल के आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक शिकायत और नजर आ रही है कि बहुत से मतदाता ऐसे हैं जिनका वोट और उनके पूरे परिवार का वोट विधानसभा चुनाव में था और अभी अपडेट कराया गया, लेकिन बावजूद इसके उनका वोट नहीं आया, इसकी लगातार शिकायतें हर एक बूथ से मिल रही है। जी दिनकर जी, लेकिन इन शिकायतों को प्रशासन किस तरीके से ले रही है, प्रशासन कैसे हैंडल कर रही है? और मशीन की जहां तक बात की जाए तो ईवीएम की खराबी प्रदेश के कई जगहों से आ रही है, विपक्ष इसको किसी और तरीके से पेश करेगा? थोड़ी देर में विपक्ष की तरफ से निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा जा सकता है, पहले चरण में हमने देखा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जो जो मतदाता है उनके नाम नहीं है लिस्ट में, कहीं ना कहीं मशीनों की खराबी जो हो रही है तो ये कहीं ना कहीं सत्ता की ओर झुकता है, तो विपक्ष का जो आरोप लगाना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि अगर मतदाताओं के वोट नहीं होंगे और वो मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और मशीनें खराब रहेंगी, शिकायतें आ रही है, तो ऑब्वियसली जो शक है वो सत्ता पक्ष में जाएगा। वही बात करते हैं अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में सुबह तकरीबन 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ था तब 2 से 3 मशीनें खराब होने की शिकायत आई थी, जिसको जिलाधिकारी ने ठीक कराने की जो जो मशीनें रखी थी एडवांस में उनको यूज किया और मतदान सुचारू रूप से शुरू हो गया है। वही जो मतदाता का जो नाम है उनकी शिकायतें ज्यादा देखने को मिली है दिनकर। जी, आप पोलिंग बूथ पर मौजूद है, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए कि मतदाता किस तरीके से उनमें उत्साह है, कैसे वो वहाँ पहुँच रहे हैं वोट करने के लिए, आप तस्वीरें दिखाइए वहाँ की। आप मैं कैमरा पर्सन कहना चाहूंगा, पीछे देखिए जिस तरह से मतदाता है वहाँ पर जो लाइन लगी हुई है, पीछे तमाम लोग जो है बुजुर्ग लोग हैं काफी संख्या में निकल के आ रहे हैं और इसके साथ ही जो सिक्योरिटी व्यवस्था वो भी काफी टाइट नजर आ रही है। वहीं परिवार के साथ भी बच्चे लेके आ रहे हैं, लेकिन जो मोबाइल की जो दिक्कत है जहाँ पर मोबाइल जो अलाउड नहीं कर रहे तो इससे थोड़ी सी मतदाताओं में समस्या आ रही है। वही हम बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ में मतदाता है जो वोट डाल के आ रहे हैं कि उनके किन मुद्दों पर और कैसे उन्होंने मतदान का प्रयोग किया है। आप मतदान करके आए हैं, किन मुद्दों पर मतदान किया आपने, मुद्दे क्या है जिस पे मतदान किया आपने? बस विकास, विकास अधिकारी के विकास से विकास। कोई कोई परेशानी या कोई दिक्कत नजर आई आपको? नहीं कोई। आपने मतलब प्रयोग किया? प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। सीधे चलते हैं आप सिद्धार्थनगर की ओर, जहां हमारे संवाददाता राकेश यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या तस्वीर है वहां पे, समय बीत रहा है, क्या मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि सिद्धार्थनगर जिले में सुबह से मतदान शुरू हुआ है, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा उस तरह से मतदाता भी संख्या बढ़ती जा रही है, लाइनों में भी काफी भीड़ भी दिख रही है और लोग पहुंच रहे हैं, अपने मतों के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुई हो रहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, सीसीटीवी फुटेज कैमरे भी लगाए गए हैं और निगरानी की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था और मतदाताओं के लिए। जी राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे रुख करते हैं बांदा की ओर, जहां से हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या तस्वीरें निकलकर आ रही है बांदा से, 2.5 घंटे बीत चुके हैं मतदान की शुरुआत होने को। कई जगहों से शिकायतें भी आ रही हैं, शिकायतें आ रही हैं कि जो मतदाता हैं जो अपने वोट डालने जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे देखने को मिले हैं जो काफी समय से यहाँ बांदा में रह रहे हैं, 30 सालों से लगभग यहाँ पे वास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी ना तो पर्चियाँ मिल रही हैं, ना तो उनको वोट डालने की जा रही है, इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं की गई है ताकि उनको वोट डाल दिया जा सके। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि जिस तरह से प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि बूथों में दिव्यांगों के लिए व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको वोट डालने में सुगमता रहे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। तमाम बूथों में दिव्यांग व्यक्ति जो है अपने घरों से घिसटते हुए पैदल चलते हुए यहाँ बूथों तक आ रहे हैं और वोट डालने का काम कर रहे हैं। जी,
ढाई घंटे बीत चुके हैं, मतदाताओं में क्या उत्साह है, क्या युवा ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि युवा वर्ग को लगातार साधने की कोशिश हर तरीके से की गई है? यहाँ की बात करें तो यहाँ के युवा हैं और जो नए वोटर हैं, लगातार उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके द्वारा सुबह से ही यहाँ पर लंबी कतारें लगा करके खड़े होकर के यहाँ पे वोट डालने का उनके द्वारा काम किया जा रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, उसी को इन लोगों के द्वारा फॉलो किया जा रहा है और लगातार जितने भी लोग हैं, जितने भी मतदाता हैं, यहाँ पर बराबर आ रहे हैं और लगातार वोट डालने का काम कर रहे हैं। जी, तो युवा किन मुद्दों को लेकर आज वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि हर लोगों के अलग अलग मुद्दे होते हैं, क्या कुछ वहाँ के मुद्दे हैं, वहाँ के स्थानीय मुद्दे या फिर जो हर चुनाव में होते हैं वही? देखिए, यहाँ पे अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी मांग ये है कि यहाँ पर जो है सीवर लाइन की समस्या है। यहाँ पर सीवर लाइन सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से काफी तकलीफें होती है लोगों को। और यहाँ पे साफ सफाई और स्ट्रीट लाइटें और अन्य समस्याओं को लेकर यहाँ के लोग ज्यादातर वोटिंग कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज यूपी निकाय चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी है। बीजेपी मुख्यालय में वॉर रूम बनाया गया है, चुनावी रणनीति को धरातल पर लाने के लिए वॉर रूम बनाया गया है। आपको बता दें, यूपी इकाई ने वॉर रूम बनाया है निकाय चुनाव में। मतदान पर वॉर रूम से नजर रखी जा रही है, चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि पर वॉर रूम से नजर रखी जा रही है। वॉर रूम से 2 लाख बूथों पर सीधे नजर रखी जा रही है। तो अहम जानकारी लखनऊ से आपके साथ साझा कर रहे हैं, यूपी निकाय चुनाव में दूसरे चरण के मतदान को लेकर। चित्रकूट से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद आरके सिंह पटेल ने मतदान किया है, सांसद ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। बलदावगंज के बूथ संख्या 77 पर पहुंचकर उन्होंने मतदान किया है और लोकतंत्र के पावन पर्व में हिस्सा लिया है। तो चित्रकूट की खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद आरके सिंह पटेल ने मतदान किया है। अयोध्या से एक और बड़ी खबर, बीकापुर नगर प्रत्याशी में सपा से चेयरमैन प्रत्याशी जुग्गीलाल कस्टडी में लिए गए हैं। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, सपा से चेयरमैन प्रत्याशी जुग्गीलाल यादव को कस्टडी में लिया गया है। मतदाताओं से जबरन वोट डलवाने पर आरोप लगाया उन पर, जुग्गी पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। मतदाताओं से जबरन वोट डलवाने का आरोप लगा है। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, बीकापुर नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी हिरासत में लिए गए हैं। तो अयोध्या बीकापुर नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। मतदाताओं से जबरन वोट डलवाने पर आरोप लगाया है, जुग्गी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। सपा से चेयरमैन प्रत्याशी जुग्गीलाल यादव को कस्टडी में लिया गया है। आपको बता दें कि मतदाताओं से जबरन वोट डलवाने का उन पर आरोप लगाया, जुग्गी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। तो हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, अयोध्या बीकापुर नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी को हिरासत में लिया गया है, जुग्गी पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। मतदाताओं से जबरन वोट डलवाने का आरोप लगाया गया है। हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता अभिनव आनंद जुड़ गए हैं। अभिनव, क्या जानकारी निकाल कर आ रही है, सपा प्रत्याशी को हिरासत में ले लिया गया है? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि जो यहाँ के जो महापौर प्रत्याशी है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशीष पंडित दीपू, उन पर साफ तौर पर आरोप लगाया है कि फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया है। जी बिल्कुल जी, तो क्या उन्हें अभी हिरासत में ले लिया गया है? वो हिरासत में? जी बिल्कुल, हिरासत में ले लिया गया है। अब इसकी सूचना भी थोड़ी देर बाद ही पुलिस लेवल जब तक वोटिंग चलेगा तब तो उसके बाद ही कुछ मामला सामने निकल कर आएगा। उसके पहले अभी फिलहाल वो हिरासत में ही ले लिए गए हैं, जिनको कोतवाली फैजाबाद नगर कोतवाली में बिठाया गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबेडकर नगर से बीएसपी प्रत्याशी को मतदान केंद्र पर घुसने से रोका गया है। एडीएम ने बीएसपी प्रत्याशी
सुरेश वर्मा को परिसर से बाहर कर दिया। एडीएम ने कहा तुरंत निकल जाओ, दूसरा तरीका ना अपनाना पड़े। बीएसपी प्रत्याशी से एडीएम के बहस का वीडियो सामने आया है। अकबरपुर नगर पालिका से सुरेश वर्मा बसपा प्रत्याशी हैं, तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एडीएम ने बीएसपी प्रत्याशी सुरेश वर्मा को परिसर से बाहर कहा, साथ ही कहा तुरंत निकल जाओ, दूसरा तरीका ना अपनाना पड़े। दोनों के बीच के बहस का वीडियो भी सामने आया है। अकबरपुर नगर पालिका से सुरेश वर्मा बीएसपी प्रत्याशी हैं। तो अंबेडकर नगर की खबर बता रहे हैं, जहां बीएसपी प्रत्याशी को केंद्र से बाहर किया गया है, मतदान केंद्र से बाहर कर दिया गया। एडीएम ने कहा तुरंत निकल जाओ, दूसरा तरीका ना अपनाना पड़े। दोनों के बीच के बहस का वीडियो भी सामने आया है। तो हमारे साथ प्रदीप पुंडीर अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बीएसपी प्रत्याशी को मतदान केंद्र पर घुसने से रोका गया है? जी दिनकर, अलीगढ़ में इस तरह की जानकारी नहीं है कि किसी भी प्रत्याशी को जो है रोका गया मतदान केंद्र के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो मतदान की बात करें, अभी हम एक जो आदर्श बूथ है उस पर है, जहाँ पर तमाम व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से, ताकि मतदाता को किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। लगातार प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो काफी अच्छी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि अलीगढ़ एक संवेदनशील शहर है, जिसको लेकर प्रशासन ने काफी तैयारी कर रखी है। जी दिनकर जी, मतदाताओं में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग 10 बजने को है, ढाई घंटे बीत चुके हैं, मतदाता किन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं? देखिए, अलीगढ़ में जो मतदान है बंपर मात्रा में मतदान हो रहा है, क्योंकि अभी 10 बजने वाले हैं, तकरीबन 14% के आसपास मतदान हो चुका है। इसका एक कारण एक ये भी हो सकता है दिनकर, क्योंकि गर्मी का समय 11 बजे के बाद धूप तेज हो जाती है, तो लोग शायद उस समय ना निकले, इसलिए सुबह से ही 7 बजे से लंबी लंबी लाइनों में कतारों में मतदाता घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए लगातार बूथ पर आ रहे हैं। और मतदाताओं से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो उनके मुद्दे हैं वो बेहतर स्वास्थ्य सेवा है, और जो क्योंकि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में आता है, तो यहाँ की जो सड़कें हैं और जो साफ सफाई है, ये भी उनका मुद्दा है। जी, तो शहर की सरकार चुनने को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन अलीगढ़ की स्थिति क्या है? अलीगढ़ में 2017 में जिनकी जीत दर्ज हुई थी, उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है? देखिए, 2017 में हम बात कर रहे हैं 2017 की, तो 2017 में बीजेपी से डॉक्टर राजीव अग्रवाल थे, और यहाँ पर जो जीत हुई थी वो बसपा के मोहम्मद सुल्तान की हुई थी, जिनकी टिकट इस बार पार्टी ने काट दी है। वहीं बसपा ने जो समाजवादी पार्टी छोड़कर एक सलमान शाहिद आए हैं, उनको टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक जबीरुल्लाह को मौका दिया है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो शहर के बड़े व्यवसायी हैं प्रशांत सिंगल, उनको मौका मिला है। तो अलीगढ़ में जो कमोबेश देखने को मिल रही है वो ये है कि मामला त्रिकोणीय फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर हम तीनों पार्टियों की बात करें, तो चुनाव से पहले कल तक समाजवादी पार्टी बढ़त बनाई थी, लेकिन अब जो हालात है, जिस तरह से मतदाता बाहर निकल के आ रहा है, उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी को एकदम आगे बढ़त दिखाई पड़ रही है। जी जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। सीधा रुख करते हैं मेरठ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अमित सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी निकल कर आ रही है, ढाई घंटे बीत चुके हैं, मतदाताओं में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, पता चलूंगा सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साहित देखने को मिल रहा है। मतदान करने के लिए जो यहाँ आ रहे हैं, आप खुद एक निगाह दे सकते हैं यहाँ पे कैमरे में, कि कैसे लोग यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और वो अपना वोट डालेंगे। यानी कितने लोग यहाँ उत्साहित हैं, इस टाइम कड़ी धूप हो रही है, लेकिन लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरह की हम मतदान की बात करें, आप इस बूथ पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, और अन्य बूथ भी गए हैं वहां पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। हम बात करने के लोगों से, आज सुबह आप घर से निकले हैं, क्या सोच के निकले हैं? और हम हाथ से छू देंगे भाई, क्या क्या विकास की बात की जाए, जो हमारा है नेता लिखा, उसमें क्या कहते हैं जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार, 20 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें, और उन्होंने राजनीति से भी रोक रखा है। यानी कि जो आप चाहते हैं जो प्रत्याशी को चुने हैं वो पढ़ा लिखा हो समझदार हो। युवा की बात की जाए बजाय कि आप घर से सुबह से निकले हैं, वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं,
कितना उत्साहित है वोट को लेकर और क्या करना चाहिए? वो आपका मत है जिसको है, लेकिन क्या विचार है? आप पार्षद की बात की जाए, क्षेत्र में विकास कार्य की बात की जाए, कुछ काम नहीं करा, कोई काम नहीं कराया अपना, इस बार नया चेहरा देखना चाहते हैं। साफ तौर से बात की जाए तो देखिए, जहाँ महिलाओं भी है वो अपनी बारी का इंतजार कर रही है, वोटर आईडी अपनी एनी पी लेकर ताकि वोट डालने में कोई दिक्कत ना हो। वोट डालने आए हैं आज घर से काम काज छोड़ के, क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है इस बार बोलिए, कुछ तो सोच के निकले घर से। जी बोलिए, कोई बात नहीं, हम लोगों से बात करेंगे क्योंकि यहाँ जी बताइए आप कुंतल जी, आप घर से निकले वोट डालने के लिए, क्या आज महत्वपूर्ण दिन है, एक मिनट में मेयर मिलेगा, एक आपका छोटा का पार्षद मिलेगा, कैसे पार्षद चीजें कैसे मिलेगा क्षेत्र की बात की जाए, ऐसा चीज है। साफ तौर से देखिए साहब, लोगों का यहाँ जो वोट डाल रहे हैं तो ये कहने विकास यानी अहम मुद्दा विकास, और दूसरा जो बात की है पढ़ा लिखा ये हर क्षेत्र में मेयर हो या पार्षद हो वो चाहिए। साफ तौर से आप देख सकते हैं यहाँ पर कड़ी धूप में भी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप खुद इस चीज का अंदाजा लगाइए कि इस बार के चुनाव को लेकर कितना उत्साहित है, धूप में खड़े लोग और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा, सभी इस बार अपने चुनाव देने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो मिनट में लगभग 16 लाख से अधिक यहाँ लोग मतदान करेंगे, और बात की जाए तो यहाँ पर 1480 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें से 16 पिंक बूथ हैं, और साफ और साफ पता चाहूंगा आपको मिनट में 16 सर्वाधिक क्षेत्र जो है जहाँ पर। अमित आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। सीधे रुककर अलीगढ़ की ओर जहाँ से हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, क्या तस्वीरें हैं वहां की, क्या कुछ चल रहा है, लगभग 2.5 घंटे बीत चुके हैं, मतदान में कितनी तेजी आई है? बिल्कुल, मतदान में लगातार तेजी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि थोड़ा सा बाहर साइड पे दिखाएं जिस तरीके से मतदाता जो लगातार आ रहे हैं, क्योंकि ये एक आदर्श बूथ है, और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों का आना आप देख सकते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, कुछ लोग जो मतदान करके उनसे बात करेंगे हम कि आप किस मुद्दों पर वोट करके आई हैं। जी मैम, आपने वोट कर दिया, क्या क्या मुद्दे रहे जिनमें आप वोट किया, आपने क्या मुद्दे रहे, इनको वोट क्या है? जी क्या बताएं, सारा कुछ सब मुद्दे अच्छे ही हो रहे हैं, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है आप कुछ बोल सकें। मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा सा जी रिंकर, हमने जो बात की मतदाता जो लगातार वोट डाल के आ रहा है, लगातार भीड़ देखने को मिली है, तमाम लोग जो है सुबह से ही मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी जी, कड़ी धूप के बीच लगातार मतदाता मतदान सेंटर पहुंच रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए हैं? देखिए, ये एक आदर्श बूथ है, यहाँ पे प्रशासन की तरफ से एक सोफा डाला गया है, कूलर की व्यवस्था की है, अभी पानी की व्यवस्था की है ताकि लोग आराम से आके बैठे और कूलर की हवा खाएं, वहीं जो उनका जिनका नंबर आए वो नंबर आए, उसके साथ पानी की व्यवस्था है और काफी सारी व्यवस्था है। मैं बताना चाहूंगा कैमरा पर्सन को तो दिखाएंगे पीछे किस तरीके से कूलर लगाया गया है और किस तरीके से सोफे की व्यवस्था की, जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं आराम से और तमाम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। बुलंदशहर में सुबह 9 बजे तक 12.36% मतदान हो चुके हैं, बांदा में 9 बजे तक 10.84% मतदान, औरैया में 9 बजे तक 10.79% मतदान हो चुके हैं, कानपुर में 8.83%, हमीरपुर में 9 बजे तक 8.40% मतदान हुए हैं। अलीगढ़ की बात कर ली जाए तो 6.93% मतदान हुए हैं, हाथरस में 9.52%, चित्रकूट में 9.56% मतदान हो चुके हैं, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 11.22%, यानी कि सबसे ज्यादा मतदान गौतम बुद्ध नगर में अब तक हुए हैं। 9 बजे तक के आंकड़े आपके साथ साझा कर रहे हैं। बुलंदशहर में 12.36% मतदान हुए हैं, बांदा में 10.84, औरैया में 10.79% मतदान हुए हैं। जैसे जैसे दिन ढल रहा है मतदाता मतदान सेंटर पहुंच रहे हैं, हमीरपुर में 8.40% मतदान हुए हैं 9 बजे तक का ये आंकड़ा आपके साथ साझा कर रहे हैं, अलीगढ़ में 6.93%, हाथरस में 9.52% अब तक मतदान हो चुके हैं। सीधे रुख करते हैं बुलंदशहर की ओर जहां से हमारे संवाददाता वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 9:30 हो गए हैं, 2.5 घंटे बीत चुके हैं, मतदान में कितनी तेजी आई है? जी बिल्कुल, बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में अब तक मतदान प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर 12.36% मतदान हुआ है, और बुलंदशहर में 17 नगर पंचायत और चेयरमैन
प्रत्याशी मैदान में लड़ रहे हैं, लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। डीएमएसपी स्वयं मतदान केंद्रों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, किसी भी तरह की कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जहां संवेदनशील इलाके हैं वहां बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। और जो मतदाता है, मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है, वो लगातार सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करने में लगे हैं। जी, 9 बजे तक कितने फीसदी मतदान हो चुके हैं और प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? बाकायदा महिलाओं के लिए क्या कुछ इंतजाम है, बुजुर्गों के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर 12.36% तक अभी तक मतदान हो चुका है। और बुलंदशहर के जो पिंक बूथ बनाए गए हैं, यहाँ पर जो महिला है, जो पुरुष है, जो विकलांग आते हैं, जो चेयर और व्हील साइकिल का इंतजाम किया गया है। और बाकायदा जो पिंक बूथ है वहाँ पर पिंक बूथों पर बाकायदा जो सेल्फी बूथ बनाए गए हैं, जहाँ पर सेल्फी मतदान डालने के बाद सेल्फी भी खेल सकते हैं। कुछ मतदाता भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? ये जो मेन मुद्दे हैं हमारे, तो सफाई व्यवस्था बहुत गड़बड़ा, बिल्कुल पूरी तरह चरमरा गई है। जैसे बरसात होती है नालों में पानी भर जाता है, ब्लॉक हो जाते हैं नाले, और ये जो सीवर पाइपलाइन का जो अभी चला है बुलंदशहर में चल रहा है, इसमें आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह कम्प्लीट नहीं करा है और गड्ढे भर जाते हैं, बड़े वाहन निकलते हैं वो दब जाती है और बड़ी प्रॉब्लम होती है इस चीज के बारे में। और दूसरा, जो कभी टेडल लाइट लगी हुई है खंभों पे, वो खराब हो जाती है, उन्हें ठीक करने वाला कोई नहीं। एक बार लग गई बिल्कुल, चाहे उसके बाद में सही हो या नहीं, नल लगे हुए सरकारी नल, एक बार लग गया उसके बाद में कोई देखने वाला नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा चेयरमैन बने या वार्ड मेंबर बने, तो वो ऐसा हो कि जो काम कर रहे हैं वो काम अपने लिए सही कर रहे हैं, मगर उसके बाद में भी उसके जो रिपेयर वगैरह संबंधित जो भी काम है वो फिनिशिंग होनी चाहिए। तो इसी वजह से हमने जो, और हमें बहुत अच्छा लगा जैसे यहाँ का आपका जो मतदाता का जो बनाया, कुछ महिला प्रत्याशी महिला भी कर रहे हैं, इनसे भी जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि हमारे घर के आगे जो सीवर बनाए गए हैं वो पूर्णतः जो पुरानी नालियां हैं उनको बंद नहीं किया गया, नए सीवर बना दिए गए हैं जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। और कई बार अभी हमने अपने घर के आगे सुधाई करानी पड़ी क्योंकि वो सीवर में पूरी तरह नाली में पानी नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा पनप रहे हैं। और गड्ढे खोद दिए गए हैं जो सीवर बनाए गए थे, उनकी वजह से सड़कों का जो मरम्मत की गई है वो प्रॉपर नहीं हुई है, जिसकी वजह से वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्चा उस गड्ढे में फंस के गिर गया। तो इस मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारा मेंबर बने वो इन सब पे पूरी तरह से ध्यान दे। बिल्कुल, जो स्थानीय निवासी है इनका कहना है कि विकास के मुद्दे हैं, जो पिछले प्रत्याशियों ने चेयरमैनों ने विकास नहीं किया है, उन मुद्दों को लेकर विकास कर रहे हैं कि बुलंदशहर में सड़क अच्छी हो, लाइट लगवाई जाए, इन मुद्दों को लेकर जहाँ बुलंदशहर। वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर संत कबीर नगर से सामने आ रही है। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने मीडिया कर्मियों को हटा दिया है, कवरेज कर रहे हैं तमाम मीडिया कर्मियों को, मतदान सेंटर से हटाया गया है, पोलिंग बूथ परिसर से बाहर निकाले गए हैं मीडिया कर्मी। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। संत कबीर नगर से एसपी सत्यजीत गुप्ता ने मीडिया कर्मियों को मतदान स्थल से हटा दिया है, कवरेज कर रहे हैं तमाम मीडिया कर्मियों को हटाया गया है, पोलिंग बूथ परिसर से बाहर निकाल दिए गए हैं सभी मीडिया कर्मी। तो अहम जानकारी आपके साथ बता रहे हैं संत कबीर नगर से, जहां एक तरफ लगातार हर जगह पे मतदान जारी है, लगातार मीडिया की कवरेज जारी है, इंडिया वॉइस भी लगातार आपके साथ तस्वीरें साझा कर रहा है प्रदेश के अलग अलग जगहों से। इस बीच संत कबीर नगर से खबर सामने आ रही है, एसपी ने सभी मीडिया कर्मियों को मतदान स्थल से हटा दिया है, बूथ से बाहर निकाल दिया है। तो संत कबीर नगर की खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, एसपी सत्यजीत गुप्ता ने मीडिया कर्मियों को बाहर निकाल दिया है, कवरेज कर रहे हैं तमाम मीडिया कर्मियों को, पोलिंग बूथ परिसर से बाहर निकाल दिया है। संत कबीर नगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एसपी ने तमाम मीडिया कर्मियों को कवरेज कर रहे रुक करते हैं एक बार फिर से बुलंदशहर की ओर, जहां से हमारे संवाददाता वरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। वरुण, अपनी बात को पूरी करिए, कैसा माहौल है वहां पे, लोग वहां पहुंच रहे हैं, 2.5 घंटे बीत चुके हैं, क्या किन संख्या में किसका इजाफा है, युवाओं का या बुजुर्गों का या महिलाओं का? जी बिल्कुल, बुलंदशहर की बात करें तो 9 बजने के बाद जो वोटर हैं वो अब जो महिला हैं वो अपना काम काज कर मतदान स्थल के लिए आना शुरू हो गई हैं, जो युवा है वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग का कहना है कि जो विकास के मुद्दे उनको लेकर हम मतदान कर रहे हैं,
बुलंदशहर में जो 17 नगर पंचायत और चेयरमैन प्रत्याशी है वहाँ नगर मैदान में उतरे हुए, कड़ी सुरक्षा के बीच जिलाधिकारी SSP स्वयं मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। जो संवेदनशील इलाके बताए जा रहे हैं उन पर बाकायदा निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, CCTV कैमरे लगाए गए हैं और जो नगर मजिस्ट्रेट है जो वो तैनात किए गए हैं और उनका वो भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने में लगे हैं। यानी शहर की सरकार चुनने के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला है, मतदाता मतदान स्थल पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, सुबह 7 बजे से ही अपने जो प्रत्याशी है जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए उनको वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर लगातार आ रहे हैं और काफी भारी संख्या में युवा महिला बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। जी वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। सीधे रुख करते हैं कासगंज की ओर, जहां से अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही है कासगंज से, कैसा है वहां पे माहौल? तो बहुत अच्छा है, चुनावी माहौल है, जब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जी, वहाँ सबसे बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि वोटर आईडी कार्ड को स्कैन किया जा रहा है, और जबकि वो लोग वोटर से कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसी आधार कार्ड से सारी चीजें, बैंक की पासबुक है, आपके राशन कार्ड है जी, पैन कार्ड है, सारा लिंक कराया हुआ, फिर क्यों नहीं हो रहा इससे? इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा माहौल खराब हो रहा था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है जी। तो प्रशासन ने इसको लेकर क्या कुछ आगे की तैयारी की? प्रशासन ने इसको लेकर मुस्लिम मतदाताओं को भरोसा दिलाने के लिए कोई कदम उठाया? हाँ, प्रशासन ने मुस्लिम मतदाताओं को भरोसा दिलाया, उन्होंने जो गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की 15 से 16 जो नियम है, कोई भी आधार कार्ड या अन्य चीजें लाके आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ स्कैन कर रहा था आधार कार्ड, ना तो उसके पास सरकारी दस्तावेज थे, ना किसी अधिकारी के पास उनके पास कागज था, मीडिया के कैमरे को देखने के बाद वो भागता नजर आया जी। यानी बिना किसी ऑथोराइज्ड परमिशन के वो व्यक्ति मुस्लिम मतदाताओं के आईडी चेक कर रहा था, उसके बाद वो परमिशन दे रहा था कि आप मतदान स्थल पहुंचे, लेकिन वहां के मतदाताओं में क्या कुछ माहौल है, किन मुद्दों को लेकर वो मतदान स्थल पहुंच रहे हैं? हाँ, इस बात कही जाए मतदान स्थल की, क्योंकि जो मतदाता है वो खाली विकास के मुद्दे पर बात कर रहा जी, वो कहता है कि हमें सड़क, पानी और बिजली जी और साफ सफाई, यही इन्हीं चीजों को लेकर पूरा मतदाता उमड़ के पड़ रहा है पोलिंग बूथों पर। पूरे आप देख सकते हैं कि मेरे और चारों लाइन लग रही है, युवा मतदाता है जी, जो खुल के बड़े उत्साह के साथ वोटिंग कर रहा है और अपने आने वाले नए प्रत्याशी के लिए मतदान कर रहा है जी। लेकिन वहां पे प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आपने बताया कि मुस्लिम मतदाताओं को एक अनऑथोराइज्ड इंसान पर बैठकर चेक कर रहा था आईडी, लेकिन प्रशासन ने बुजुर्गों के लिए, वहां पे युवाओं के लिए, मतदाताओं के लिए स्पेशली क्या कुछ इंतजाम किए हैं? बात बताए, सबसे बड़ी चीज थी अभी तक इस पोलिंग बूथ पर, मैं आजाद गांधी इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर खड़ा हूँ जी, यहाँ कहीं भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कैनर की व्यवस्था नहीं रखी, क्योंकि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है, क्योंकि लोग उसका प्रिकॉशन नहीं रख रहे। दूसरी चीज, जो विकलांग मतदाता है उसके लिए ना तो व्हील चेयर की व्यवस्था की गई, ना कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था है जो मतदान स्थल तक वो वोट डालने जा सके, ये सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही जी। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। सीधे रुख करते हैं बुलंदशहर की ओर, जहां से वरुण शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, क्या कुछ वहां पे देखने को मिल रहा है आपको? लगभग 3 घंटे बीतने को है। बात करें तो बुलंद में 3 घंटे बीतने के बाद जो मतदाता हैं वो अब मतदान स्थल के लिए अब भारी तादाद में आने लगे हैं, क्योंकि विकास के मुद्दों को लेकर जो स्थानीय निवासी हैं वो मतदान कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन ने एक व्यवस्था की है कि जो वोटर आईडी होती है, अगर कोई वोट संदिग्ध लगती है या आधार कार्ड कोई भी आईडी पर संदिग्ध लगता है, तो जो यहाँ पर बूथों पर तैनात जो अधिकारी हैं उनको एक ऐप के जरिए
स्कैन कर कर पता लग जाएगा कि उसका वोटर कार्ड या आधार कार्ड फर्जी तो नहीं है, तो फर्जी वोट डालने के लिए भी अधिकारियों को जहाँ तैनात किया गया, बाकायदा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिससे कि हम अपनी वोटर आईडी, किसी की भी वोटर आईडी है उसको स्कैन करने के बाद ही पता लग जाएगा वो फर्जी तो नहीं है। जिसको लेकर प्रशासन की टीम है अलग अलग मतदान केंद्रों पर खड़ी है, तो जो संदिग्ध वोट लगती है उसकी भी चेकिंग की जा रही है, उनकी पहचान पत्र आईडी उसकी बाकायदा स्कैन करते ही पता लग रहा है। लगातार मतदाता की बात करें तो विकास के मुद्दों को लेकर यह मतदान हुआ है और लगातार जो वोटर है वो मतदान केंद्र पर आने शुरू हो गए हैं। एक महिला जो मतदान अभी वोट डाल कर आई है, इनसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आपने वोट कर डाली है। भाई वो ये सड़क वड़क के लिए डाली है, नालियाँ गंदी हो रही है जिससे पानी का दिक्कत है। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए आपका जीतने के बाद? बढ़िया, सुने हमारी बात है जो बिल्कुल ये मतदान करके जो महिला आई है इनका कहना है कि जो विकास करे ऐसा एक हमारा चेयरमैन होना चाहिए। जी, अगर पोलिंग बूथ पे अगर कोई पुलिस अधीक्षक हो, पुलिस के कर्मचारी हो, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, ताकि जिस तरीके से आपने बताया कि आईडी चेक करने के लिए अलग से एक ऐप की व्यवस्था की गई है, तो वो किस तरीके से लोगों को यह भरोसा दिला रहे हैं कि आप आइए और यहाँ पे मतदान करिए। बिल्कुल, अधिकारियों की बात करें तो मैं पोलिंग बूथ के पीछे ही खड़ा हूँ क्योंकि अधिकारी थोड़ा मेरे से दूर है, वहां नहीं जा सकता। ये जो पीछे जो पिंक बूथ बनाया गया है आपको मैं दिखा सकता हूँ, जो ये पिंक बूथ है बाकायदा यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया है और जो अपना मत प्रयोग करने के लिए लोग आ रहे हैं और एक एक अंदर भी खड़े हैं, इनसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर आप किस मुद्दों को लेकर मतदान करने आए। मुद्दे तो बहुत है, बाकी आप समझदार कैसे प्रत्याशी होना चाहिए, अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए जो काम कराए वार्ड में। बिल्कुल, इसका कहना है कि जो विकास कराए ऐसा प्रत्याशी जीत कर मैदान में आए, चेयरमैन बने और लगातार जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पर आने शुरू हो गए हैं। लेकिन शहर की सरकार चुनने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं मतदान स्थल पे, लेकिन बुलंदशहर की प्रमुख मांगे क्या हैं? क्योंकि पिछले 5 सालों में जिनकी भी वहां पे सरकार रही उन्होंने क्या कुछ परिवर्तन किया और आने वाले समय में क्या कुछ वहां की जनता परिवर्तन चाहते हैं? जी बिल्कुल, जो बुलंदशहर की मुख्य समस्या है वो तो सड़क है, तो बिजली लाइट जो खंभों पर जो गलियों में लगवाई जाती है एक बार लगने के बाद वो ठीक नहीं होती, ये समस्या है। और जो बुलंदशहर में सीवर लाइन लगाए कार्य चल रहा है वो तेजी से किया गया है मगर वो ठीक नहीं किया गया, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और कई हादसे हो रहे हैं, ये इनकी मांग है। और सड़क बढ़िया होनी चाहिए और एक डिवाइडर की समस्या जो नगर में है, जाम की समस्या लग जाती है, इस अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लोग मतदान कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। बुलंदशहर में सुबह 9 बजे तक 12.36% मतदान हो चुके हैं, बांदा में 9 बजे तक 10.84% मतदान, उरैया में 10.79% मतदान हो चुके हैं सुबह 9 बजे की आंकड़े बता रहे हैं, कानपुर में 8.83%, हमीरपुर में 8.40% मतदान हो चुके हैं, अलीगढ़ में 6.93% मतदान हुए हैं 9 बजे तक, हाथरस में 9.52% तक मतदान हो चुके हैं, चित्रकूट की बात कर ली जाए तो 9.56% मतदान हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर में 11.22% मतदान हो चुके हैं अभी तक। तो सुबह 9 बजे तक के आंकड़े आपके साथ साझा कर रहे हैं। बुलंदशहर में 12.36% अब तक बुलंदशहर में सबसे अधिक मतदान हुए हैं, बांदा में 10.84% मतदान हो चुके हैं। सीधा रुख करते हैं काशगंज की ओर, जहां हमारे संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, 3 घंटे बीतने को है लगभग, कितनी फीसदी मतदान हो चुके हैं वहां और मतदाताओं में क्या इजाफा हो रहा है? बात कही जाए मतदान की कि सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लेन लगी हुई है जी। जो 9 बजे मतदान का अपडेट आया है वो 11:40 है, क्योंकि मतदाता वोट डालने के लिए उत्साहित है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरे मतदान केंद्र पर युवा मतदाता बहुत भारी मात्रा में वोट डालने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो अपने मत का प्रयोग विकास के नाम पर करना चाह रहा है। मैं देख सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, इस वक्त जो युवा मतदाता है ये सब युवा मतदाता है जो इस पोलिंग बूथ पर खड़ा हुआ है। मैं पूछ सकता हूँ कि
किस किस बात को लेकर मतदान करेंगे और किस किस मुद्दों को मतदान करेंगे। क्या नाम है आपका? शाहरुख जी, जो आप मतदान करेंगे किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? क्या नाम है आपका? सभी जी, आप जो मतदान करेंगे किन मुद्दों को लेकर करेंगे? विकास के लिए, साफ सफाई के लिए, और भी बहुत सारे, पानी वानी भर जाता है मोहल्लों में, उसके लिए करना चाहिए। पूर्व में जो चेयरमैन थे उन्होंने किस तरीके का विकास कराया था? क्या उन्होंने भी किया था, लेकिन बट अब ये सोचना है क्या क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए। आप देखते हैं किसको चुनाएंगे, किसको नहीं चुनाएंगे। इस बार उत्साह में है युवा मतदाता, क्या लगता है कि इतना उत्साह क्यों है कि शहर की सरकार जो सुनने जा रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उत्साह है, होना चाहिए और रहना चाहिए। ये देख सकते हैं जो मतदान केंद्र पर युवा है जी, जो बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के इस पूरे मतदान में कहीं ना कहीं अपने यज्ञ में आहुति देने का काम कर रहे हैं जी। और एक नई सरकार चुनते नगर में एक विकास कराने की बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कासगंज के मतदाताओं की मांगे क्या है, कासगंज में क्या कुछ समस्याएं हैं? क्योंकि मतदाता जब मतदान स्थल पहुंचते हैं तो उनके दिमाग में वह पूरी चीजें घूमती रहती है कि किन मुद्दों को लेकर हम मतदान स्थल पे पहुंच रहे हैं और किन प्रत्याशियों को वोट कर रहे हैं। हाँ, पूरे मतदाताओं की एक ही समस्या रहती है, पहली चीज कि अब तक जहाँ सीवर लाइन नहीं है जी, जिससे जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि जब नालियों में कचरा फंस जाता है तो कहीं ना कहीं सड़कों पर पानी बहता है, उनमें लोगों को गंदे पानी में होकर निकलना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो सीवर लाइन की है कि यदि सीवर लाइन पड़ जाएगी तो पानी भरने की समस्याओं से निजात हो जाएगा। दूसरी सफाई व्यवस्था, तीसरी आपकी लाइट की व्यवस्था है, जो खंभों पर लाइट खराब हो जाती है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर युवा मतदाता बढ़ चढ़ के अपनी नई सरकार बनाने के लिए उत्साहित है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे रुख करते हैं महोबा की और वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ शारिक सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है शारिक, कैसी तस्वीरें हैं वहां की? शारिक, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं। सर बताता चलूं कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है और प्रशासन के द्वारा लगातार मुस्तैदी दिखाई जा रही है। यहाँ करीब 2 नगरपालिका और 3 नगर पंचायत हैं जिनका मतदाताओं के द्वारा अपना प्रत्याशी चुना जाएगा अध्यक्ष पद, और पार्षद पदीक और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है। इसमें करीब 1,48,198 मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे और अपना चेयरमैन या अध्यक्ष चुनेंगे, और करीब 1100 पुलिस बल मौजूद लगा है जो चप्पे चप्पे पर तैनात है और शांति व्यवस्था से चुनाव कराने के लिए पुलिस बल मुस्तैद बना हुआ है जी। लेकिन वहां के मतदाताओं की मुख्य समस्या और मुख्य मांगे क्या है? क्योंकि जब एक मतदाता मतदान स्थल पहुंचता है वोट करने के लिए तो उसके दिमाग में उनके प्रमुख मुद्दे होते हैं। सर यहाँ का मुख्य मुद्दा पानी और गंदगी को लेकर है जो लोगों में अमूमन देखने को मिला है। लोगों के द्वारा कहा गया कि यहाँ के कुछ मोहल्लों पर पानी की समस्या है और साथ ही साफ सफाई को लेकर यहाँ के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि साफ सफाई न होने के कारण वह अपना मत का प्रयोग करेंगे और कोई अच्छा पढ़ा लिखा ही अपना उम्मीदवार चुनेंगे जी। लगभग 10 बजने को है, 3 घंटे बीत चुके हैं, अब तक वहाँ कितने फीसदी मतदान हो चुके हैं, कुछ जानकारी सामने आई है? सर महोबा में 12% मतदान हो चुका है, चरखारी में करीब 8% हो चुका है और खरेला में 12% हो चुका है, लेकिन कुलपहाड़ और चरखारी पर कंट्रोल रूम के द्वारा अभी तक कुछ नहीं बताया गया कि कितने फीसदी मतदान हुआ है। उनके द्वारा लगातार बहाने बनाए जा रहे हैं कि अभी पता नहीं चला, अभी पता नहीं चला, और उनके द्वारा कोई अपडेटिंग कुलपहाड़ और कवरई की नहीं दी गई है जी। बहुत बहुत धन्यवाद शारिक नवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो यूपी में दूसरे चरण का चुनाव जारी है। आपको बता दें कि 9 मंडल के 38 जिलों में लगातार मतदान हो रहा है, कई जिलों से ईवीएम खराब की सूचना भी सामने में आई है। वहीं आपको बता दें कि कई बड़े मंत्रियों ने भी वोट डाले हैं। आपको बता दें यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है पहले मतदान फिर जलपान। तो लगातार हमारी कवरेज इंडिया वॉइस पर जारी रहेगी दूसरे चरण को लेकर। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।